सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं। अरे हो जा यार, हो जा। अरे पीछे हो जा यार, मैं इधर हो जा। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, इधर हो जा। मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। एक महीने तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जल संघर्ष यात्रा जयपुर पहुंची। सचिन पायलट के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने पद यात्रा में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा हजारों की संख्या में जयपुर में उनके समर्थकों और आम लोगों द्वारा इस पद यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने पूर्व की भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार और युवाओं के मुद्दे को लेकर 11 मई से इस पद यात्रा की शुरुआत की थी। अजमेर से शुरू हुई उनकी यह पद यात्रा 125 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए जयपुर पहुंची। उनकी पद यात्रा इस दौरान अजमेर से चलकर किशनगढ़, दूदू, महाला, महापुरा से गुजरी। हर जगह जन संघर्ष को अपार जनता का भारी समर्थन और प्यार मिला। सचिन पायलट ने जयपुर में बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार से 3 महत्वपूर्ण मांगें रखी। उन्होंने अपनी पहली मांग में आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित किया जाए, सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और इससे महत्वपूर्ण पदों पर विश्वसनीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। दूसरी मांग में उन्होंने कहा कि पेपर लीक से अधिक नुकसान झेलने वाले बच्चों को उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अपनी तीसरी मांग को रखते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। सचिन पायलट ने अपनी तीनों मांगों के लिए कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो अब तक मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जन संघर्ष यात्रा की है, अगर महीने के अंत तक कार्रवाई नहीं होती है तो मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा और गांव-गांव शहर-शहर जाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे, इंसाफ करवाएंगे और अपनी बात को रखते रहेंगे। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर।